बीच बिहारी एंड मारवाड़ी क्लब की तरफ से यहाँ कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में एक नहायत ही शानदार मुहर्रम के जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के तमाम अहम लोगों ने हिस्सा लिया। ये गुज़श्ता 23 साल से यहाँ इस तरह का अखाड़ा का इंतज़ाम किया जाता है। शाहिद खान इसके लीडर होते हैं और उन्हीं की क़यादत में ये सारा काम चलता है। यहाँ जो भी खेलने वाले हैं, जो ताज़ियादार हैं, जो ताज़िया बनाते हैं, जो अखाड़ा खेलते हैं, जो डंका बजाते हैं, जो शहर के अहम लोग हैं, जो समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी लोगों का इसमें हिस्सा होता है और सभी कहीं ना कहीं अपनी इसमें हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम को कामयाब होता है। हर साल होता है, 23 साल से कहा जा रहा है किया जाता है और लगातार दो दिन होता है। 9वीं की रात से प्रोग्राम शुरू होता है, 10वीं के दिन में भी ये प्रोग्राम चलता है और इस दौरान कम से कम 20 डेग लोगों में खिचड़ा बांटे जाते हैं। ये हर साल का इनका मामूल है और एक तरह से कहा जाए कि आधी रात तक ये प्रोग्राम चलता है। बच्चे यहाँ जो होते हैं बहुत जोश व खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं, ताज़िया बनाते हैं, ताज़ियादारी करते हैं और जो लोग सियासी पार्टियों से समाज से जिनका ताल्लुक़ होता है वो सभी इसमें हिस्सा लेते हैं और सभी आकर अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं। इस मौके पर शाहिद खान का अहम रोल होता है क्योंकि इस प्रोग्राम को कामयाब कराने में वो हमेशा एक महीने से लगे रहते हैं और एक महीने के बाद जाकर ये उनकी जो मेहनत है उसका कामयाबी देखने को मिलता है। ये तो जो आप ये देख रहे हैं सारा का सारा जो प्राइजेस है, जो मोमेंटो है, ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे यहाँ ताज़िया तारी की है, ताज़िया बनाया है, जिन लोगों ने अखाड़ा खेला, जो इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, सभी लोगों के लिए और ये जो समाज के लोग हैं जो लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं, मेराज खान हो, जमाल भाई हो, ओझा जी हो, असीरुद्दीन साहब हो, ये सारे लोगों के लिए यहाँ इंतज़ाम होता है, उन्हें मोमेंटो से नवाजा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं शाहिद खान किस तरह से असीरुद्दीन साहब को उनको उत्तोरियो पेश किया और मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया, तो ये सिलसिला चलता रहता है और ये आप देख रहे हैं समाज के सभी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं और इसका एहतमाम करते हैं। साहब यहाँ के साथ बातचीत करते हुए जमालुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे, इसमाक खान वगैरह थे, शमीम अहमद खान, अनिला खान, ये सभी लोग इसमें आते हैं और अपनी हिस्सा अपनी शराकत दारी से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। इब्राहिम साहब ने इस प्रोग्राम की संचालना की, यानी इन्होंने नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी इनका भी सियासत से ताल्लुक है, समाज के भी कामों से जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि ये प्रोग्राम चलता है और हामिद खान को भी आप देख सकते हैं, इनका भी इसमें अहम रोल रहा है। ये पवन जी भी समाज से यूथ तृणमूल कांग्रेस के यूथ लीडर है और इस तरह से ये हमने हिस्सा लेते हैं। झा जी को यहाँ उत्तोलियो पहनाकर उनका स्वागत किया गया और रिकी भाई है, इन्हें भी मोमेंटो दिया गया। तो इस तरह से ये सारा प्रोग्राम चलता है, शाम से शुरू होता है 8 बजे से और ये चलता रहता है 11 बजे तक। तो ये सिलसिला है यहाँ का और ये सारा का सारा आप मोमेंटो देख सकते हैं। ये सारा मोमेंटो ये सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं है बल्कि जो लोग यहाँ आके हिस्सा लेते हैं पूरे प्रोग्राम में हिस्सेदारी रखी जाती, उन्हें ये सारा अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये देख रहे हैं ये कमेटी के लोग हैं, ये कमेटी के लोगों को यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उन्हें इज्जत से नवाजा जाता था। मेराज खान को यहाँ पर मोमेंटो तुरी पेश कर उनका स्वागत किया गया, ये भी सामाजिक शख्सियत है, इनको भी मोमेंटो और तुरी देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। तो ये सारा काम चलता है। दूसरी तरफ यहाँ बच्चे अखाड़ा भी खेलते हैं, लोग खेलते हैं, जो शहर कलकत्ता में जो लोग रहते हैं वो यहाँ आकर अखाड़ा में हिस्सा लेते हैं। अखाड़ा खेलने के अलावा यहाँ जैसा कि आप जानते हैं हमेशा ये ताज़िया का भी अहतमाम होता है, अलम का भी अहतमाम होता है और सरफराज खान कांग्रेस के लीडर है, यूथ लीडर है, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तो इस तरह से लोग आते रहते हैं और इस प्रोग्राम में अपनी शराकत दारी करते रहते हैं और इस तरह से ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है। पवन जी को देख सकते हैं, सरफराज भाई भी है। तो ये सिलसिला है और ये सिलसिला चलता रहता है। नका नकीब के तौर पर यहाँ खान साहब मौजूद थे और गोल्डन भाई भी यहाँ कांग्रेस से इन लोगों का ताल्लुक है। और तो इस तरह से देखा जाए तो इस सारे प्रोग्राम में तृणमूल कांग्रेस हो, CPM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सभी के नुमाइंदे किसी न किसी सूरत में किसी वक्त में आके यहाँ हिस्सा लेते हैं और अपनी शिरकत से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। तो ये सिलसिला यहाँ अखाड़े का भी इंतज़ाम रहता है। लोग जो है देखा जाए कि बहुत देर तक
अखाड़ा भी खेलते हैं, उसमें हिस्सा भी लेते हैं और प्रोग्राम का भी लुत्फ लेते हैं। तो ये सिलसिला आप, ये कोई नई बात नहीं है, ये 23 साल से शाहिद खान करते रहे हैं। और जिसके लिए हम आए उनके लिए कम से कम दरू शरीफ। मैं उसको स्टेज पे बुला, ये सामने आप ताजिया देख रहे हैं, इतनी सुंदर और इतनी यूनिक ताजिया ये दोनों बच्चों ने बनाया है। और मैं विक्रम सिंह को बोलता हूँ कि उन दोनों को मोमेंटो देकर, हमलेवा कोई नहीं है, तो हक तो हमेशा ही जीतता है और बातिल हारता है। आपको मालूम है चाहिए कि जंग ये जंग जो हुई थी आप सब अरब के अंदर में, यह हक और बातिल की जंग थी, जिसमें जीत के भी यजीद हार गया, हुसैन शहीद हो के भी जीत गए। ये बड़ी बात है। हम तमाम लोगों से कहें कि हक पर आज भी हमको चलना चाहिए। हम तमाम लोग को हक पर ही इंसाफ मिलेगा, हक के रास्ता कभी नहीं छोड़े, इंसान को हमेशा हक पर चलना चाहिए। दुनिया भी ऐसे इज्जत में पढ़ के अपने अमाल को ख़राब न करे, बल्कि इत्तेहादी आपकी कामयाबी की दलील है। मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर में आज जो कफन का नफर जो फैलाया जा रहा है, उसका ये आज मिसाल है। यहाँ पर ही सभी बैठे हैं, एक तरफ सब भाई बैठे हैं, एक तरफ आप है, कोई फर्क नहीं कर सकता कौन क्या है। ये मोहब्बत के दलील इस इलाके में है, इंशाल्लाह ताला हमेशा कायम रहेगा। सबों के साथ मैं आपको मुबारक देते हुए बात देते हुए तमाम हाजिर जो है इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सबसे पहले यूथ बिहारी एंड मारवाड़ी अखाड़ा, जो शाहिद भाई के नेतृत्व में, इनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम रखा। और जितने भी अखाड़ा में शामिल होने वाले टीम है, उन टीम को प्राइज देने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया है। मंच पे हम लोग सब उपस्थित हुए हैं, तो हम लोग केवल दिली ख्वाहिश से आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप लोग कल जब ताजिया लेके चलिएगा तो शांति और अमन का ख्याल रखिएगा, और अच्छी तरीके से खेलते हुए, जिस तरीके से जो आपकी नियम कायदे हैं उनको मानते हुए आप लोग अपने इस अखाड़ा को, काफ़ी पुराने दिन से चल रहा है और मैं देखता हूं कि शाहिद काफ़ी मेहनत करता है और काफ़ी करीब करीब एक महीने से लगा रहता है इसको कार्यक्रम में, तो बस यही बात चंद बात कहना चाहता हूं। और फिर एक बार शाहिद भाई और उनकी पूरी टीम यूथ बिहारी एंड मारवाड़ी अखाड़ा को फिर दिल से शुक्रिया अदा करके अपनी बातों को यहीं विराम करता हूँ। ये यहाँ अखाड़ा में हिस्सा लेने वाले बच्चे, ताजिया में हिस्सा लेने वाले बच्चों को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पवन सिंह जी है, वो उनका संपर्क जो है तृणमूल कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट थे इलाके के, और वो भी इस काम में बच्चों का हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसा जो आज देश का जो माहौल है, इस माहौल में आप देख सकते हैं कि यहाँ कोलकाता एक ऐसा प्रदेश, ऐसी रियासत है जहाँ हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर रहते हैं। ये इस कमेटी का नाम ही है बिहारी और मारवाड़ी। आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये, किस तरह का ये अदारा है और किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो ये हर साल यहाँ कुछ 23 सालों से ये लोग ये काम करते रहे हैं, और ये कोई उनके लिए नई बात नहीं है। हमेशा से यहाँ पर खाने का भी लोगों ने इंतज़ाम किया है, ताकि जो लोग ताजिया नारी में हिस्सा लें और खाड़ा में हिस्सा लें, वो यहाँ पर आके खा सकें। तो दिन भर उनसे कम कहा जाता है कि 20 एक खाना बनाते हैं, लोगों को बांटते हैं। ये समाज, ये सारे के सारे समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, गुरू भाई भी हैं और अशफाक खान वगैरह सभी इसमें आते हैं, हिस्सा लेते हैं, अपनी शराकतदारी दिखाते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम चलता रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं हम भी यहाँ मौजूद है, ऐसा बड़ा आशीर्व के हाथे भी कई लोगों को यह अवार्ड से नवाजा गया। सरफराज खान भी कई लोगों को अवार्ड दिए, मिराज खान भी उनके हाथों से भी कई लोगों को अवार्ड दिए दिलाया गया। इस तरह से ये सिलसिला ये भी चलता है, अवार्ड का प्रोग्राम चलते रहता है और साथ में अखाड़ा भी और ताजियादारी भी चलता है। जमाल साहब ने यहाँ जो ताजियादारी में हिस्सा लेते हैं उनको अवार्ड से नवाजा। ये सारे के सारे जो है आप देख सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, सामाजिक काम करते हैं, और ये कुछ वहाँ पर जो अखाड़ा और उसकी देख सकते हैं। मिराज भाई रिक्की भाई को मोमेंटो देते हुए अनिला खान उपस्थित हुई, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ इस स्टेज पे। मोमेंटो देकर आप
आबिद खान सम्मानित कर रहे हैं अनिला खान को। भाई अश्वास भाई को टोरंटो देकर सम्मानित करते हुए